देखा आपने, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी मिसाल जरूर मिल जाती है जहाँ पर आप अपने मेहनत का और अपने हौसले का, अपने हिम्मत का जो गवाही है वो कहीं ना कहीं आप जरूर शेयर कर सकते हैं। मुझे नजर आ रहे हैं और भी लोग, लेकिन अगर वो नहीं आना चाहते तो मैं उन्हें फोर्स नहीं करूँगी। और आखिर में अगले सप्ताह जब बैठा हुआ तो मेरे गुरु ने मुझे कुछ कहा कि अगले साल जितनी हमारी बेटियाँ जिन्होंने जो मास्टर्स होंगी उनको जो स्पेशल अवार्ड दिया जाएगा इसी प्लेटफॉर्म से, ताली बजा सकते हैं तो बजाने हमारी जिन्होंने किसी भी फील्ड में मास्टर किया होगा उनको जो है अवार्ड मिलेगा। तो ये एक कितनी खूबसूरत बात है जो इस अवार्ड के को लेना चाहता है, तो आप जरूर इस बात के लिए कोशिश करते रहें, आगे बढ़ते रहें और आपको जरूर ये अवार्ड से नवाजा जाएगा। अंडी मार्शल ने कहा, उन्होंने ऐड किया है कि जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं हमारे ग्रुप में, हमारे दवाइया ग्रुप के अंदर, उनको भी जो है अवार्ड दिया जाएगा। बेशक जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो मास्टर्स हैं या कोई और जिन्होंने आला कारकर्दगी दिखाई होगी उनको भी बेटियां जो है इसमें मेहनत करें आगे बढ़े। जी जरूर, ख्याल है कि अब ये ऐसा मोटो इन्हें दिया गया है जिसको जरूर पास करेंगे। आखिर में मैं रोमियो 2:6-7 आयत को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जहाँ लिखा है वो हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा जो नेकुकारी में ताकत कदम रखकर जलाल और इज्जत और वकार के तालिम होते हैं उनको हमेशा की जिंदगी देगा। सो अजीजों, ये वो बातें हैं जिनमें हमें कलाम को जब हम पढ़ते हैं उसमें हमें अमल भी करना चाहिए। हम सब आपको इस बात के लिए एक बार फिर जोर देते हैं और हमारी चार पेश करते हैं वो है स्टेकर बेमानी खातें जो हम मसीह तौर पर आपको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और आज भाई ने जो ऐलान किया कि जो बच्चे जो भी किसी भी किस्म के अवार्ड से हासिल करेंगे उन्हें इसी प्लेटफॉर्म से अवार्ड से भी निकाला जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। और आज के वुमेंस डे पर इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कि भाई ने कहा कि अब इस हर दफा मैं ही संदेश देता हूँ लेकिन इस साल मैं नहीं होगा, तो इसलिए आप लोग अपने अंदर ऐसी खवातीन पैदा करें वो जज्बे लेकर आए
मुझे दी, मैं इसके लिए खुदावंद की नहायत शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद हुक्म देता है, खुशखबरी देने वाली फौज की फौज है। अभी हम गौर करेंगे कि मसीही बेटी, मसीही बहन, मसीही माँ, मसीही माँ जो है, बहू है, वो है कौन है। मसीही बेटी वो है जो कि खुदावंद के खून से खरीदी गई है, जो मसीह की है, मसीह उसमें बसता है और जो है वो मसीह में है और मसीह की कुदरत के साथ वो काम करती है। मसीही बेटी बहुत कीमती है क्योंकि वो नहायत कीमती खून से ख़रीदी गई है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कीमती है। मसीह ने उसके लिए अपनी कीमत अदा की है। वो बादशाह की शहज़ादी है और जब वो बादशाह की शहज़ादी है, मसीह उसमें है, पूरे के परा मसा उसमें है, तो कोई वजह नहीं कि जब वो किसी बीमार पे हाथ रखे और वहाँ पे शफा ना हो। प्रेज द लॉर्ड। और फिर हम आज गौर करेंगे थोड़ी देर मेरे के लिए, बेटी के लिए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, बेटी माँ और सबके लिए मैं थोड़ा थोड़ा देखेंगे, उसके हम आगे बढ़ते जाएंगे। आप में से कोई बहन जो हवाला पढ़ना चाहे प्लीज़, पैदाइश की किताब, बाइबल मुकद्दम से पैदाइश की किताब, उसका 24 बाब, उसकी 15 आयत से 26 आयत तक बेटी के मतलब देखेंगे हम। बेटी के मतलब कोई बहन हवाला पढ़ना चाहे आप आ सकती हैं। अच्छा जी, 24 बाब उसकी 15 आयत से 26 आयत तक। छब्बीस तक जी। और क्या तेरे बाप के घर में हमारे कितने की जगह है, उसने उससे कहा
आमीन। बहुत शुक्रिया। इसमें हम देखेंगे बेटी के मतलब, ये बेटी के मतलब लिखता है कि वो नहाए थी, खूबसूरत थी। इसमें आपने पूरा हवाला पढ़ा है और पूरी स्टोरी से आप वाकफ़ हैं कि किस तरह से इब्राहिम का नौकर जब जाता है उसका रिश्ता देने के लिए इसहाक के बेटे के, इसहाक के लिए, तो उसको किस तरह से पूरी हदायत ये पूरी स्टोरी से वाकफ़ हैं। इस बेटी के मतलब पढ़ेंगे कि वो नहायत खूबसूरत थी। दूसरी खूबी इसमें ये पाई जाती है, नहायत थी, तमीज़दार थी। क्योंकि जब उसने कहा कि मुझे पानी पिला, तो उसने कहा है पीजिए साहेब। उसने कोई ऐसा कि भाई मैं क्यों पिलाऊं, इससे ये पता चलता है कि उसके माँ बाप ने उस बेटी की तरबियत बहुत अच्छी तरह से की है। ये लड़की नहायत मजबूत है। फिर चौथी खूबी इसमें ये देखते हैं कि ये बच्ची, ये बेटी नहायत बहादुर है। आप देखें कि उसके ऊँटों के लिए भी उसने कहा कि वो पानी भर भर के लाऊंगी, और उसके 10 ऊँटते हैं। जब आप पीछे हवाले में पढ़ते हैं तो उस नौकर के साथ अपने साथ वो 10 ऊँट लेके गया है। और इस लड़की के देखें कि वो उसको भी पानी पिलाया, फिर वो नीचे जाती है, बार बार पानी भर के ला रही है। और 10 ऊँटों को पानी पिलाना, मेरा नहीं ख्याल कि आज कोई बच्ची इस तरह से कर सकती है। और 10, एक ऊँट जो है तकरीबन 10 गैलन पानी पीता है। और आप हिसाब लगाएं कि ये लड़की कितनी मजबूत थी और उसके 10 ऊँटों के लिए पानी भर भर के लाई। आज हम देखें कि हम बेटियां, हम क्या, हमारे माँ बाप ने हमारी तरबियत अच्छी की है? और कोई माँ बाप ऐसा नहीं है जो कि अपने बच्चों की, अपनी बेटियों की तरबियत अच्छी नहीं करता। और बेटियां जो हैं, हम देखें कि वो कितनी वफ़ादार हैं अपने माँ बाप के साथ, अपने खुदावंद के साथ, और अपने मुआशरे के साथ, अपने चर्च के साथ, अपनी जितनी भी कलीसिया है उनके साथ। और हम देखें क्या हमारी, हम बेटियां जो हैं किस तरह से हैं, क्या हम अपने माँ बाप की नाफरमानी तो नहीं करती हैं? क्या हम अपने खुदावंद को छोड़ के किसी और के पीछे तो नहीं चली जाती हैं? आज हमें ज़रूरत है हमारी माओं को, हमारी जो सीनियर लोग हैं, हमारी जो बहनें हैं बड़ी, उनको ज़रूरत है बेटियों को इस तरह राह पे लाने के लिए कि हमें मसीह में हो के रहना है और उसके खून का इनकार नहीं करना। जब हम बहन के मतलब देखते हैं, एक बहन को देखें, आस्तर मलका, वो एक बहुत अच्छी बहन का रूप दिखाएगा। उसने अपने भाई की बात मान के रोज़े के साथ ठहरती है, किस तरह से अपनी कौम को बचा लेती है रोज़े में ठहर के, अपने सहेलियों के साथ रोज़ा रखती है, सब लोगों के साथ मिलकर किस तरह से अपने लोगों को बचाया। अभी हम बहुत सारी मिसालें हैं बहनों की, मार्था की, मरियम को, किस तरह से खुदावंद को प्यार करती थी, किस तरह से उनके आपका किरदार से वाकफ़ है कि मरियम और मार्था की स्टोरी से सब वाकफ़ हैं। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगी वक्त का ख्याल रखते हुए। और हम जब बीवी को देखते हैं, इमसाल जो है ये सारा इसी से अच्छी, जिसको बीवी मिली उसने तोहफा मिला पाया। हम देखें हम किस तरह की बीवियां हैं, क्या हम अच्छी बीवियां हैं? हम किस तरह से अपने खामवंद की फरमानबरदारी करती हैं? और उसमें लिखा है कि 31 बाब में, इमसाल 31 बाब, उसके बेटे उठते उसको मुबारक देते हैं, और उसका शौहर उसको के लिए कहता है कि बहुत सारी बेटियों ने फजीलत पाई लेकिन तू सब पर सबकत ले गई। आज हम गौर करें, क्या हमारा शौहर उठते ही हमें गालियां तो नहीं देता? क्या हम वफ़ादार हैं उसके साथ, या हमारे लिए वो कहता है कि बहुत सारी बेटियों ने फजीलत पाई लेकिन तू सब पर सबकत ले जाई? हम आज गौर करें अपनी ज़िंदगी, जितनी बेटियां, जितनी बीवियां यहां पे बैठी हुई हैं, क्या हमारा शौहर हमें मुबारकबाद देता है, हमें मुबारक कहता है और हमारे लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करता है? बीवियों के लिए मतलब ये कहूँ कि बहुत हमें जो है बहुत ख़ानदानी ज़िंदगी में बहुत सारे लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन जब खुदावंद में हम ज़िंदगी बसर करते हैं, जब पाक रूह का मसा हमें होता है, जब हमारे अंदर पाक रूह बसा होता है, कोई वजह नहीं है कि हम अपने घर में सलामती ना पाएं। जब हम खुदावंद को पहला दर्जा देते हैं अपने घर में, अपने दिल के तख्त के ऊपर, और ये बीवी का ही काम है, चाहे अपने घर को बगाड़ ले,
चाहे वो बरकतों से उसको भर दे। और ये बीवी के हाथ में है और इसको समझें बीवी की ज़िम्मेदारियों को। और फिर हम एक बहू के मतलब सीखेंगे। बहू की बहुत खूबसूरत मिसाल बाइबल मुकद्दस में आई है, आप रूत को जानते हैं, सब उसकी स्टोरी से वाकफ हैं, इसलिए मैं बहुत मुख्तसर बयान करूंगी। रूत को आप जानते हैं, जब नोमी अपने मुल्क वापस जा रही थी, उसकी दोनों बहुएं उर्फा और रूत उसे लिपट लिपट के रो रही हैं कि आए माँ हम तेरे साथ जाएंगे। वो कहती है नहीं लौट जाओ मेरी बेटी हो, लौट जाओ, लेकिन वो रोती रही उसके साथ। लेकिन उसके बहुत मजबूर करने पे एक बहू, बड़ी बहू जो थी, वो तो वापस चली गई, लेकिन रूत ने कहा नहीं माँ मैं तेरे साथ जाऊँगी, जहाँ तू जाएगी मैं जाऊँगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। फिर वो बहुत ज़िद करने के करती रही और उसकी जो सास थी वो अपने साथ ले गई। फिर आगे देख के देखते हैं कि किस तरह से वो अपनी सास से वफादार रहती है। आज हम अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें कि हम किस तरह की बहू हैं, अपनी सास के साथ देखें कि वो अपनी सास को कितना प्यार करती है। जब वो खेतों में जाती है बालें चुनने के लिए और अपने खाने में से खाना ले आती है, उसके जो बच जाता है उसके लिए ले आती है, और आखिर में जब वो एंड में जो आखिरी बाब उसका आखिरी बाब जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है उसकी जितनी भी दोस्तें थी नोमी की, वो कहती हैं कि ये तेरी बहू जो रूत जो तुझे बहुत प्यार करती है तेरे सात बेटों से बढ़कर है। आज देखें हमारी सासें जो हैं हमारे लिए क्या कहती हैं, क्या हमें बहुत प्यार करती हैं, या हम अपनी सासों को इतना टाइम देते हैं, या हम उन ये समझ के कि वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं हम अपने ही कामों में बिज़ी रहते हैं। नहीं, मेरी बहनों मेरी बेटियों, आज हमें जो हमारे घर के बुज़ुर्ग हैं, चाहे वो हमारी माएँ हैं, चाहे हमारे वो बाप हैं, चाहे हमारी सास हैं, हमें उनको टाइम देने की ज़रूरत है। और जब हम उसको टाइम देंगे और फिर जो है अब देखें आप किस तरह से वो आपको प्यार करेंगे। कोई वजह नहीं है लड़ाई हो वहाँ पे। और कुछ मिसालें मैं अपनी ज़िंदगी से भी दूंगी। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, जब मेरे माँ बाप ने शादी हुई थी यही कहा था कि वो तेरे माँ बाप होंगे और हमसे ज़्यादा तूने उनसे प्यार करना है। और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ मेरे इस बात को, अपने माँ बाप की बात को इस तरह से अपने पल्ले बांध लिया कि वाकई वो इनसे ज़्यादा मेरे माँ बाप हैं। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि मेरे सास ससुर ने भी बहुत ज़्यादा प्यार किया। और आप अपनी सास को बिल्कुल अपनी सहेलियों की तरह समझें, और मैं वाकई अपनी सहेलियों की तरह समझती थी। मैं उनके साथ टाइम गुजारती थी, अपनी सास के साथ मैं उनको जो है लतीफ़े सुनाती थी, स्टोरी सुनाती थी, हम दोनों खुश रहते थे। मैं बिज़ी होती थी लेकिन फिर भी मैं उनके लिए टाइम निकालती थी। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। और घरों में छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, बहुएं इस बात को याद रखें, खुदावंद के सामने रखें ये बातें छोटी छोटी। आप यकीन करें, क्योंकि मेरी ज़िंदगी एक्सपीरियंस हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। मैं बहुत ज़्यादा हर जितनी भी मैं वो ज़िंदा रही मेरी साथ, जब तक मैंने उनकी रिस्पेक्ट की, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक दफ़ा किसी के कहने पे थोड़ा सा मैंने उनके साथ रफ बोला, आप यकीन करें पूरी रात मुझे नींद नहीं आई कि मैंने अपने सास के साथ थोड़ी सा क्यों मैंने इस तरह से बोला, कि इस तरह से किसी के कहने पे। आप यकीन करें 3 बजे थे रात थे, मैं बेचैन थी। नहीं, मैंने तो अपनी सास की हमेशा रिस्पेक्ट की। मैं रात को 3 बजे उनके बेडरूम में गई क्योंकि मैं सो नहीं पा रही थी। मैंने अब वो सो रही थी, मैं उनके कदमों को चूमा जाके, मैंने उनसे माफ़ी मांगी। और जो है और हम दोनों सास और बहू आधे घंटे तक एक दूसरे से लिपट के रोते रहे। और आप यकीन करें जब तक वो खुदा ये इस दुनिया में ज़िंदा रहीं, और वाकई वो बहुत प्यार करती रहीं। और जब आखिरी दिन था, सुबह अचानक उनकी डेथ होती है और रात को शाम के वक्त ठीक ठाक थी, सुबह बस उनको जो है कुछ खा रही थी तो गोता लगा और खैर एक्सपायर हो गई। लेकिन जो बहुत अच्छी मेरी सास थी, और जो है शाम के वक्त जब उनकी डेथ होती है, एक दिन पहले किसी ने पूछा, किसी टीचर ने मुझे बाद में बताया, उनसे बात जब हुई तो कहने लगी कि भई आप बताएं आंटी जो है सबसे ज़्यादा प्यार आप किसको करती हैं। उन्होंने कहा मेरे लिए सारी बहुएं बराबर हैं, और जो है ने कहने फिर भी आप किसी एक को तो करती होंगी।
कहने लगी नहीं, मेरे लिए बहुत प्यारी बहुएं, सब खुदावंद का शुक्र हो, सब बहुएं बहुत अच्छी हैं, मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि बहुत अच्छी बहुएं मिली इनको। और जब उन्होंने कहा कि ये डेथ से एक दिन पहले की शाम की बात है, उन्होंने कहा सब बहुएं बहुत अच्छी हैं लेकिन मेरी एक बहू पिंकी जो है मुझे सबसे दिलो जान से अजीज़ है, इसलिए कि आज तक उसने कभी किसी बदतमीज़ी नहीं कही, कोई ऐसा गलत अल्फाज नहीं किसी के लिए कहा, कभी किसी की कोई शिकायत नहीं की, और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि मेरी सांस लिए ऐसे मेरे लिए अल्फाज इस्तेमाल किए। प्यारी बहू अपने ख्याल, आप इस बात का ख्याल रखें, अपनी सासों के साथ भी हमारा अच्छा सलूक होना चाहिए, वही हमारी माँ है। जब शादी होती है बेटियों की तो हम सिर्फ अपने खावन से हमारी शादी नहीं होती है, पूरे ख़ानदान से शादी होती है, याद रखें उनसी रिस्पेक्ट करनी होती है। फिर देखें कि खुदावंद किस तरह से आपको सरफराज करता है अपने ख़ानदान में। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, खुदावंद ने मुझे अपने ख़ानदान में सरफराज किया, इसलिए सारी शुक्रगुजारी मैं खुदावंद को पेश करती हूँ। और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि बुज़ुर्ग जब दुआ दे देते हैं, और आप यकीन करें आप बुज़ुर्गों से दुआएँ लें, आज जितनी बेटियाँ बैठी हुई हैं, जितनी बहुएँ बैठी हुई हैं, बुज़ुर्गों से दुआएँ लें। मैं जब मेरे सास ससुर थे, मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, मेरे हस्बैंड को हमेशा कहते थे और मुझे उन्होंने हमेशा बेटा कहा, कभी मुझे बेटी के नाम से नहीं पुकारते थे कि ये मेरी बेटी है, वो हमेशा कहते थे कि ये मेरा बेटा है। और मेरे हस्बैंड को हमेशा कहते थे कि मेरे बेटे के साथ कभी ऊंची आवाज़ से भी बात नहीं करना। और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, उन्होंने दुआएँ दी और वो मुझे लगी। मैं खुदावंद के इस बुज़ुर्गों से दुआएँ लें, आप उनके काम आएँ, उनकी खिदमत करें। मरने से पहले मेरे ससुर ने कहा था 6 महीने पहले कि ये जो मेरा बेटा है, मेरे लिए कहा था कि मैं, वैसे वो खुदावंद के बहुत, मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि मेरे माँ बाप भी जो है एक मसीह घराना बहुत अच्छा है, मेरे पापा पास्टर थे, और जो है मेरे ये भी जो ससुराल वाले, खुदावंद का मैं शुक्र करती हूँ, बहुत अच्छे खुदावंद ने मुझे दिए, और ये भी खुदावंद ने बहुत ज़्यादा मजबूत थे मेरे सास और ससुर पूरा ख़ानदान। और मेरे ससुर ने 6 महीने मरने से पहले कहा कि ये जो मेरा बेटा है पूरी दुनिया घूमेगा, और जो है खुदा उनकी दुआ कबूल हुई। मैं कहती हूँ दुआएं लें अपने ससुराल वालों से, अपने बुज़ुर्गों से। और मैं खुदा उनका आज भी जब याद करती हूँ इस बात को, तो वाकई उनकी बात जो लोग मुझे दुआ दे के गए थे, और उनकी दुआ से उनके मरने के 6 महीने बाद, मैं पहला ट्रिप मेरा इंग्लैंड में था, उसके बाद खुदावंद ने मुझे आधी दुनिया दिखाई, प्रेज द लॉर्ड, ये उनकी दुआओं से। खुदावंद ने बहुत जगह मुझे पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी इस्तेमाल किया। मैं तो एक मामूली औरत हूँ, मैं को ये नहीं है कि मेरे पास बहुत सारे कि मैं जग, लेकिन जब हम खुदावंद में होते हैं, बुज़ुर्गों की दुआएं हमारे साथ होती हैं, तो खुदावंद कहाँ कहाँ नहीं ले जाता है, खुदावंद कहाँ कहाँ नहीं आपको इस्तेमाल करता है। जब हम खुदावंद को उसके हजूर में आके तो देखें, उसकी यानी कुर्बत का मज़ा लेके देखें, और फिर उसकी कुर्बत से हटने को दिल ही नहीं चाहता, जब हम फिर सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं, सिर्फ उसकी कुर्बत में जब हम अपना तन मन धन उसको दे देते हैं, यकीन करें मैंने खुदावंद से वादा किया है, खुदावंद मेरी एक एक सांस, मेरी एक एक धड़कन, मेरी ज़िंदगी का एक एक लम्हा सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। और जितनी मेरी ज़िंदगी है, अभी मैं समझती हूँ कि शायद बहुत दिन, जैसे तेज़ी से वक्त गुजर रहा है, बहुत दिन काम है, मैंने खुदावंद के लिए बड़ा काम करना है। और खुदावंद मैं शुक्र करती हूँ, मेरे कैलेंडर पे जब मैं देख रही थी कल, कोई ऐसा दिन नहीं है कि इन दिनों में जब कभी भी कि कोई ऐसा खुदावंद के लिए मैंने काम ना किया हो। आप वर्किंग वुमेंस हैं, कहीं भी हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप, जैसे हम, मेरा जो है नर्सिंग से मैं मेटर हूँ बका यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में, और खुदावंद का शुक्र करती हूँ खुदावंद ने मुझे ऐसी जगह पर रखा है। और जितनी भी मेरी बहनें हैं किसी भी शोबे में हैं, खुदावंद का नाम लें, खुदावंद की गवाही दें, खुदावंद का जिक्र करें, और देखें खुदावंद किस तरह से आपको वहाँ पे ही आपको सरफराजी दे देता है। कहीं भी हैं, मैं सबसे पहले जब अपने ऑफिस में जाती हूँ सुबह, मेरे साथ मेरी असिस्टेंट मेटर्न है, और मैं पहले उसको लेके खुदावंद के हजूर, खुदावंद मैं इस ओहदे पे हूँ, मेरे अंडर जो है इतने लोग हैं, अबाउट 250 के करीब तो मेरे स्टूडेंट्स हैं, और तकरीबन 300 के करीब मेरा स्टाफ है। मैं खुदावंद से कहती हूँ, खुदावंद मेरे हाथ से किसी के साथ बेइंसाफी ना हो जाए, मैं किसी के साथ बेइंसाफी ना कर बैठूँ। हम दुआ करते हैं दोनों मिलके,
जितने क्रिटिकल पेशेंट हैं उनका नाम लेके दुआ करते हैं कि जितने क्रिटिकल, हम अपने ऑनर के लिए दुआ करते हैं, सब डॉक्टर्स के लिए दुआ, अपने खास नर्सिंग स्टाफ के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद ये जो लोग हैं तेरे डर खौफ में काम करें, और जितने भी हैं हमारे मेडिकल से तल्लक रखते हैं खुदावंद से दुआ करें कि जितने भी हमारे प्रोफेशन इस प्रोफेशन में खुदावंद के डर खौफ में काम करें, क्योंकि जब हम उसके डर खौफ में काम नहीं करते हैं, अगर हमारी गफलत से, मैं यही सिखाती हूँ, अगर हमारी गफलत से थोड़ी, क्योंकि इतने क्रिटिकल पेशेंट जब होते हैं, अगर हमने थोड़ा सा भी उनको गलत मेडिसिन दे दी, हमारी गफलत से पेशेंट मर गया, मैं अपने स्टाफ को कहती हूँ अगर हमारी गफलत से वो एक्सपायर हो गया, आखिरी दिन अदालत के दिन वो डेड बॉडी खड़ी हो जाएगी, कहेगी मैं इसकी वजह से मैं मर गया था, इसकी गफलत की वजह से। हमारा इतना सेंसिटिव ये शोभा है, मैं यही सिखाती हूँ कि आप जो है खुदावंद के डर खौफ में, जब हम खुदावंद के डर खौफ में काम करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि जिस मरीज़ के ऊपर आप जाके हाथ रख दें तो वो शिफा ना पाए। समटाइम्स जो होता है कि मुझे कहते हैं लोग कि मैडम आप हमारे ना ऊपर दम फूंक दें, आप जो है कर दें दुआ कर दें, मैं कहती हूँ उनको हाँ ज़रूर मैं दम फूंकूंगी, मैं यीशु मसीह के नाम का दम फूंकूंगी, आप अगर चाहते हैं हज़रत ईसा के नाम का, और वाकई फिर मैं कहती हूँ हाँ मैं हज़रत ईसा के नाम से, आप यीशु मसीह जिसको हज़रत ईसा कहते हैं मैं उसके नाम का। इसी तरह से आप जहाँ जहाँ काम करते हैं ज़रूर गवाही दें। मैंने एक टारगेट रखा होगा एक दिन में जो भी मेरे पास आए, अब दो लोगों को तो गवाही सुनाई जाए खुदावंद की, या दो लोगों को खुदावंद का नाम बताया जाए, और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि एक दिन में कई कई लोगों को बता देती हूँ, उसके नाम की तारीफ हो। और इसी तरह सा मेरी बेटियों, खासकर जो आज ये खुदावंद ने हमें दी है आज के दिन, मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, ये बहुत खूबसूरत आयत आज खुदावंद ने दी है इस काम के लिए। खुदावंद हुक्म देता है, खुशखबरी देने वाली फौज की फौज है। आज खुदावंद ने आपको हुक्म दिया है, हमें खुदावंद ने ऑर्डर नहीं किया है, बहनों को, बेटियों को, माओ को उसने रिक्वेस्ट नहीं की है कि मेरी खुशखबरी दें। इस बात का याद रखें कि उसने हमें ऑर्डर दिया नहीं दिया है, बल्कि ये ऑर्डर किया है कि आप जाके खुशखबरी दें। तो इस बात का ख्याल रखें कि खुदावंद ने हुक्म दिया है, ये उसका हुक्म है। सबसे पहले क्या कहा था कि जाओ जाके मेरे भाइयों को खुशखबरी दो। कौन सी बहनें थी? हम बहनें थी, उनको कहा था जाओ जाके मेरे भाइयों को खुशखबरी दो कि मसीह जी उठा है। और उसमें लिखा है जल्द जाओ, इंग्लिश बाइबल में लिखा है गो क्विकली, उसको कहा था जल्दी जाओ, हमें जल्दी जाना है खुदावंद का काम करने के लिए। रुकावट नहीं रुकावटें बहुत सारे, काम तो दुनिया के कभी ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए आज जो हमने सीखा है कि हमें खुशखबरी के लिए अपने आप को आगे लेके जाना है। और जो है ख़ानदान, पहले खुदावंद की, पहले खुदा, फिर जो है ख़ानदान, फिर खिदमत। हमें यह नहीं कि अपने ख़ानदान को निगलेक्ट करना है, साथ साथ जब खुदावंद को लेके चलेंगे खुदावंद हर फील्ड में आपकी मदद करेगा, हर एक मकाम में आपकी मदद करेगा, और इस तरह से हमें जो है साथ साथ खुदावंद को लेके चलेगा। अभी हम बहू के बाद हम देखेंगे माँ का मकाम। माँ के मतलब देखें, सैमुअल की माँ को देख लेते हैं। सैमुअल की माँ की स्टोरी से सारे वाकफ़ हैं जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, किस तरह से सैमुअल की माँ ने दुआएं की थी हैकल में जाके, आए खुदावंद मुझे एक बेटा दे दे, वो मैं तेरे लिए वक्फ़ करती हूँ। आज कितनी माएँ हैं दुआ करती हैं खुदावंद जो तू बेटा देगा तेरी खिदमत के लिए, सबसे अच्छा हिस्सा हमें उसको देना है। और फिर उसने किस तरह से खुदावंद ने उसकी आवाज़ को सुना और खूबसूरत बेटा दिया जो उसने हैकल में जाके नसर कर दिया। माँ को देखें, मरियम को, यीशु मसीह की माँ, कितना बड़ा दर्जा मिला, नजात इंदा की माँ, कितना बड़ा दर्जा है माँ का। जबकि अभी हमने एक स्टोरी पढ़ी है रिबका की, कितनी खूबसूरत उसके लिए पढ़ा है, खूबसूरत थी, तमीज़दार थी, इतनी क्वालिटीज आपने उसमें देखी हैं। और फिर जब वो माँ बनती है, मेरी माएँ जितनी भी यहाँ पे बैठी हैं इस बात का ख्याल करें जो भी माएँ हैं, जब हम माएँ बनती हैं तो बच्चों अपनों की तरफदारी ना करें, तरफदारी होगी तो घराना टूट जाएगा। इस रिबका को देखें, जब ये माँ बनी है तो इसने अपने बेटे की तरफदारी की,
क्या हुआ, घराना बिगड़ गया, भाई जुदा हो गए। माएँ जितनी हैं अपने बेटों के साथ, बेटियों के साथ बराबर सलूक रखें। यह जब हम बेटी के रूप में देखते हैं, बहुत अच्छी बेटी है, मैंने इतनी सारी सिफतें आपको बताई कि वो बेटी कितनी खूबसूरत है, कितनी तमीज़दार है। जब ये माँ बनती है और फिर देखें क्या होता है, अपने एक बेटे की तरफदारी करके और जो है कितना बिगाड़ पैदा हो जाता है, वो ख़ानदान टूट जाता है। इसलिए मेरी माएँ जितनी बैठी हैं, जब हम माएँ बनती हैं तो इस बात का ख्याल करें कि अपने बच्चों को, सबको बराबर जानें, किसी की तरफदारी मत करें। इस तरह से खुदावंद के खौफ में चलें और अपने सब बच्चों को बराबरी का सलूक दें। और आप जो फिर हम उसी बात पे आते हैं, मेरी माएँ, मेरी बहनें, आज हम इस बात को याद रखें कि हमें खुदावंद के कामों के लिए निकलना है। फिलिपियों में उस लिखा है 2:21 में कि सब अपनी अपनी बातों की फिक्र में हैं, ना कि मसीह यीशु की। क्या आज देखें हमें, क्या हम मसीह यीशु की फिक्र करते हैं, कितना हम उसके लिए काम करते हैं। बेटियां कितनी करती हैं आज, क्योंकि ये बेटों से इतना नहीं मैं ख़ताब कर रही, मैं मुखातब हूँ और मैं सिर्फ बेटियों से हूँ, क्योंकि आज स्पेशल जो कलाम है खुदावंद ने, बेटियों का दिन है, वुमेंस डे है, इसलिए ज़्यादा मैं उन्हीं से बात कर रही हूँ। और जब बेटियाँ कितनी हैं जो खुदावंद के लिए चलती हैं, खुदावंद के लिए अपनी ज़िंदगी बसर करती हैं, खुदावंद को अपना आप देती हैं, देखें फिर किस तरह से खुदावंद हमें सरफराजी ही देता है। दाऊद बढ़ता ही गया क्योंकि खुदावंद का हाथ उस पर था। खुदावंद उसको तरक्की पर तरक्की दी। दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया क्योंकि खुदावंद का हाथ उस पर था। जब बहनों बेटियों, खुदावंद का हाथ हम पे आ जाता है और फिर हमें दुम नहीं बल्कि सर उठा बना देता है। और उसमें लिखा है मैंने तुम्हें दुम नहीं बल्कि सर ठहराया है। फिर सरफराजी आती है। कहीं भी खुदावंद आपको इस्तेमाल कर सकता है, कहीं भी जा रहे हो आप, खुदावंद आपको इस्तेमाल कर सकता है। हिकमत मांगे उससे, खुदावंद कहीं भी आपको इस्तेमाल कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी खिदमत के लिए निकल जाएं, कहीं भी अपने घर से खिदमत करें, अपने बच्चों को लेके बैठें, उनको खुदावंद का कलाम सुनाएं। अपने खुदावंद ने बहुत छोटी खिदमत से अपनी खिदमत का आगाज़ किया था, उसने रसूलों के पांव धोए थे। अपने बच्चों को लेके बैठें, अपने हस्बैंड को लेके बैठें। कई दफ़ा हस्बैंड अगर खुदावंद में नहीं है तो खुदावंद में आ जाता है। आज मेरे हस्बैंड नहीं हैं, अगर वो होते वो लाहौर गए हुए हैं खुदावंद की खिदमत के लिए, अगर वो होते तो आपको शायद वो भी इस बात को शेयर कर सकते थे आपके साथ। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, वो गवाही देते हैं कहीं भी जाते हैं कि मैं खुदावंद में इतना नहीं था, और वो हमेशा बताते हैं कि मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि मैं अपनी बीवी के वसीला से चेंज हो गया, मेरी बीवी मेरे लिए दुआएं करती रही। और इसी तरह जिनके हस्बैंड खुदावंद में नहीं हैं, वो खुदावंद से दुआ करें कि वो आपके साथ मिल के काम करें। और कितना मज़ा आता है, कितनी ब्लेसिंग होती है जब हम अपने हस्बैंड के साथ काम करते हैं मिलके, खुदावंद का कलाम जब लेके हम अपने हस्बैंड के साथ निकलते हैं, और मियाँ बीवी जब दोनों इस खिदमत में होते हैं, और खुदावंद देखें फिर किस तरह से ज़िंदगियां बदल डालता है। ख़ानदानों के ख़ानदान बदल जाते हैं, बच्चों की ज़िंदगियां चेंज हो जाती हैं, और फिर वाकई उस खिदमत में जब हम दोनों मिल के साथ चलते हैं तो वाकई खुदावंद का शुक्र करना चाहिए कि बहुत सारी ज़िंदगियां बदल जाती हैं। और जहाँ कहीं भी खुदावंद आपको इस्तेमाल करें, खुदावंद के लिए करें। और जब भाई पिछली दफ़ा जब वो बता रहे थे इसके लिए, उस औरत के लिए जिसके खुदावंद, आप सब स्टोरी से वाकफ़ हैं कि उस औरत ने इतना कीमती इतर खुदावंद के सर पे डाला और अपने बालों से उसके कदमों को पहुंचा। और ख़ास बात जो उसके लिए लिखी गई है, जो कुछ वो कर सकी उसने किया, जो कुछ वो कर सकी। हम आज सोचें कि हम खुदावंद के लिए क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। जो कुछ वो कर सकी, उस बेवा औरत ने दो दमड़ी थी वो डाल दी, जो कुछ वो कर सकी उसने खुदावंद के लिए किया। पिछले दिनों में ब्रदर जवेद का मैसेज था शोनमी औरत के मतलब, उसने खुदा के खादम के लिए जो कुछ वो कर सकी उसने किया। अपने घर में उसके लिए कमरा बनाया, उसको डेकोरेट किया, जो कुछ वो कर सकी उसने किया। आप याद रखें, जो कुछ आप कर सकते हैं बहनें, आप खुदावंद के लिए करें।
खुदावंद बहुत बरकत देगा, आप वो बयान से बाहर है। आपके बहन भाई भी फिर जब इसमें आपकी बातें सुनेंगे और वाकई वो फिर खुदावंद के करीब हो जाएंगे, आपके जितने भी घराने हैं घराने बदल जाएंगे, जिंदगियां बदल जाएंगी, घरानों में बरकत आ जाएगी। मेरे भाई हैं छोटे, मुझसे एक साल है, वो आजकल इंग्लैंड में है, खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, और जब उनका फ़ोन आता है तो मैं कहती हूँ कि शायद एक एक दो दो घंटा हमारी बात होती है, कोई और बात नहीं होती उसमें कि फलां कैसा है फलां कैसा है, हम खुदावंद की बातें करते रहते हैं। और वाकई जब हम खुदावंद में होते हैं, जब आपके भाई का भी फ़ोन आएगा या भाई से बात करेंगे, फिर खुदावंद ही की बातें होंगी, फिर हमें कोई और बात अच्छी ही नहीं लगती। जब आप खुदावंद से प्यार करते हैं, आप देखें जब एक मोहब्बत हो जाती है, आप एक दुनियावी मोहब्बत को ले लें, किसी लड़के की किसी लड़की की मोहब्बत हो जाती है आपस में, तो वो उनको आपस में एक दूसरे को देखे बगैर रह नहीं सकते, वो चाहते हैं कि मैं उसके पास बैठूं, उनसे बातें करूं। आप सब हो सकता है किसी